दोस्तों अक्सर अपने विवादित बयानों से और मोदी सरकार पर लांछन लगाने वाले सुब्रमण्यम स्वामी ने अब एक ऐसा बयान दिया है जो चारों तरफ सुर्खियां बटोर रहा है। दोस्तों सुब्रमण्यम स्वामी का यह बयान ऐसे मौके पर आया है जब चीन ताइवान को लेकर बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव है और धमकी पर धमकी देता आ रहा है, जिसके बाद विशेषज्ञों का मानना है कि ताइवान के बाद चीन का अगला टारगेट भारत के कुछ इलाके हैं। लेकिन ऐसे में सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर भी चर्चा गर्म है कि आखिर स्वामी इतना घर का भेदी क्यों बन गए हैं। स्वामी का यह बयान न केवल वर्तमान में सरकार पर है बल्कि पुराने प्रधानमंत्रियों को लेकर भी कठोर टिप्पणी है। ऐसे में स्वामी के इस बयान को सुनने के बाद आप ही निर्धारण करना कि स्वामी का यह बयान कहां तक ठीक है। दोस्तों भाजपा पर लगातार तीखा हमला करने वाले भाजपा के ही नेता को कई लोगों का यह मानना है कि जल्द ही पार्टी से बाहर फेंका जा सकता है, लेकिन आपका स्वामी के बयान को लेकर क्या कहना है इस रिपोर्ट को सुनकर जरूर बताइएगा। दरअसल पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्रियों जवाहरलाल नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि इनकी मूर्खता के कारण भारतीयों ने इस बात को स्वीकार किया कि तिब्बत और ताइवान चीन का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि अब चीन परस्पर सहमत वास्तविक नियंत्रण रेखा का सम्मान नहीं करता और लद्दाख के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने नरेंद्र मोदी पर हमला तेज करते हुए कहा, जहां चीन ने लद्दाख के कुछ हिस्सों को झड़प लिया है, वहीं मोदी का यह कहना है कि कोई आया ही नहीं। उनका बयान स्तब्ध करने वाला है। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर कहा, हम भारतीयों ने नेहरू और एबीवी यानी अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्खता के कारण तिब्बत और ताइवान को चीन के हिस्से के रूप में स्वीकार किया, लेकिन अब चीन परस्पर सहमत एलएसी का भी सम्मान नहीं करता है और लद्दाख के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लेता है, वहीं मोदी कोई आया नहीं कहकर स्तब्ध करते हैं। चीन को पता होना चाहिए कि हमारे पास फैसला करने के लिए चुनाव है। चीन द्वारा बार बार चेतावनी देने के बावजूद अमेरिकी हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोशी की ताइवान यात्रा के बीच स्वामी का यह बयान आया है। ऐसे में दोस्तों स्वामी के इस बयान को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।